नीटिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द। जीन्स को हम कट कर लेंगे। पहले हम इसको यहाँ से कट करेंगे और इसे हम पूरा निकाल लेंगे। और ये देखिए, इसको हमने यहाँ से कट करना है। ये देखिए, इस तरीके से कट कर कर इसे हम पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। जीन्स को हमने कट कर कर इसे हमने खोल लिया है। अब इसमें से हम स्क्वायर पीस कट करेंगे। स्क्वायर पीस कितने कट करेंगे ये देखिए, मैं ये कट कर चुकी हूँ। इसमें से ये देखिए, यहाँ से 5 इंच और यहाँ से भी 5 इंच, 5 इंच का स्क्वायर कट करने हैं आपने। ब्लैक कलर में से 5 और ब्लू कलर में से 10 पीस आपने इसमें निकालने हैं और इसको कट कर कर रेडी करेंगे। स्क्वायर पीस हमने कट कर लिए हैं। ब्लैक वाले हमारे 5 हैं और ब्लू वाले हमारे 10 पीस हैं। अब इसे हम सेट करेंगे। सेट करने के लिए ये देखिए, हमें इस तरीके से इसको ऐसे रखना है। ब्लैक वाले हम बीच में रखेंगे और ब्लू वाले हम इस तरीके से ऐसे रखेंगे। स्ट्रिप वाला साइड जो है ये मैं राइट साइड में ले रही हूँ, इसको मैं ऐसे रखूँगी। ये देखिए, ऐसे दोनों साइड आपने इसी तरीके से ऐसे रखने हैं। ये देखिए, बीच में ब्लू, सॉरी बीच में ब्लैक और साइड में ब्लू रखते हुए इसको हम सेट कर लेंगे। देखिए, इन्हें हमें इस तरीके से सेट करना है। सेट करने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए आप देखिए इस तरीके से ऐसे रखेंगे। ये हमारा राइट साइड है, ये भी हमारा राइट साइड है। राइट साइड पर इसको हम ऐसे रखेंगे और यहाँ से सीधा स्टिच करेंगे। ये देखिए ऐसे, फिर इसको लेंगे, इसको राइट पर राइट रखेंगे और ऐसे स्टिच करेंगे। सभी को हमने इसी तरीके से ऐसे कर कर ऐसे और इसको यहाँ से लेकर ऐसे सेट करते हुए इसको हम पूरा सिलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी पर हमने जॉइंट लगा लिया है। जॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर भी हमने एक सिलाई यहाँ पर लगाई है, दाब सिलाई। ये देखिए ऐसे, ये देखिए, इन सभी को इसी तरीके से हमने जॉइंट करना है। अब हम इसे दूसरी तरीके से सेट करेंगे। अब ये देखिए, हमने इसको कैसे सेट करना है। इसको ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे, अब इसे ऐसे रखेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे। ये देखिए, और इसको ऐसे रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से रखेंगे। अब इसको हम ऐसे सीधा करेंगे, इसको यहाँ से सिलेंगे, ये ऐसे सिल जाएगा। फिर इस वाले को हम ऐसे रखेंगे और इसको हम यहाँ से सिलेंगे, ये सिलेगा। इस तरीके से सिलते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसे स्टिच कर कर हमने कंप्लीट कर लिया है। सिलते समय आपने ध्यान देना, हमारा कलर जो है बिल्कुल मैच करना चाहिए। ये देखिए, ब्लैक से ब्लैक इस तरीके से, ये देखिए, तभी हमारा डिज़ाइन जो है वो अच्छा बनेगा। ये स्टिच करने के बाद इसे हम इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे, वहाँ से हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। इसे हमने सीधा स्टिच नहीं करना, इसे हमने ऐसे स्टिच करना है जैसे हमने ये देखिए इस तरीके से किया ये, और इसको हम ऐसे रखेंगे, फिर इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद इस वाले को हम आगे की तरफ ले जाएंगे, ये देखिए ऐसे, और यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। ब्लैक से ब्लैक को ये देखिए ऐसे, आपने ऐसे स्टिच करना है इसको, और यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। और अब हमने यहाँ से स्टिच करना है। सीधा स्टिच करेंगे तो सेट नहीं होगा ये, इसलिए इसको ऐसे ही सेट करना है जैसे हमने और करे हैं। ये देखिए, इसे स्टिच कर कर हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, अब इसको हम ऐसे रखेंगे और ये हमारे 5 कॉर्नर होंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 कॉर्नर हैं ये हमारे। अब ये देखिए, इसको हम ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे यहाँ पर हम पिन लगा देंगे और इसे यहाँ से स्टिच करेंगे। अब ऐसे लेंगे इसको और यहाँ पर भी हम एक पिन लगाएंगे और इसे स्टिच करेंगे। ये कॉर्नर लेंगे इसको, इसको यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर पिन लगाएंगे और इसे यहाँ से सिलेंगे। फिर हमारा ये कॉर्नर रह जाएगा, इसको लेंगे और इसको यहाँ से सिलेंगे। यहाँ पर भी हम पिन लगाकर इसको सेट करेंगे। ये देखिए ऐसे, और ये कॉर्नर, सभी कॉर्नर हमने ले ली है। ये देखिए, इन सभी को सिलकर हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इसे सिलकर हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, अब इसे हम ऐसे करेंगे और इसको भी हम ऐसे ही सिलेंगे। ये देखिए, इसको ऐसे लेंगे
फिर इसको ऐसे जैसे हमने वो वाला कॉर्नर सिला सेम ऐसे ही सिलेंगे इसको, और इसको ऐसे ही सिलेंगे। सिर्फ एक यहाँ पर हम छोड़ देंगे इसको सीधा करने के लिए। ये देखिए इसे हमने सिलकर कंप्लीट कर लिया, और यहाँ से भी अब ये हमने खुला छोड़ा था, इसको यहाँ से हम सीधा कर, देखिए इसे हमने सीधा कर लिया। अब यहाँ से हम कॉटन को इंसर्ट करेंगे, ये देखिए ऐसे, और इसे हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए कॉटन को इसके अंदर हमने फिल कर लिया है। ये डिज़ाइन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और इसको भी यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे, और नीडल से हम इसको सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इसे सिलकर हमने कंप्लीट कर लिया। अब बीच में हम बटन लगाएंगे। आप रेडीमेड बटन भी लगा सकते हैं, या फिर जीन्स के कपड़े का ही आप इसमें बटन बना सकते हैं। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, स्क्वायर पीस ले लेंगे, और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। और इसके बीच में हम कॉटन डालेंगे। सबसे पहले हम इसको कच्चा करेंगे। ये देखिए इस तरीके से कच्चा करते हुए राउंड में इसे हम कंप्लीट, इसे हमने कच्चा कर लिया है। अब हम कॉटन लेंगे, कॉटन को बीच में रखेंगे, और इस धागे को हम खींच देंगे। ये देखिए और इसको भी चारों तरफ से सिलकर हम कंप्लीट करेंगे। बटन को कंप्लीट कर लिया है, धागे को अभी हमने कट नहीं किया है। इसे हम बीच में ऐसे रखेंगे, नीचे से हम कपड़े को लेंगे, और यहाँ से इस कपड़े को लेंगे। ये देखिए बटन वाले कपड़े को ऐसे लेंगे, और इसको यहाँ से स्टिच करेंगे। फिर सेम ऐसे ही करेंगे, नीचे से कपड़े को लेंगे, और यहाँ से बटन के कपड़े को लेंगे। ऐसे करते हुए इसे हम राउंड में सिल लेंगे। ये देखिए बटन लगाकर इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। दूसरी साइड में आप रेडीमेड बटन लगा सकते हैं, या फिर इस तरीके का बटन बनाकर भी आप लगा सकते हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देखकर आप ये बना सकते हैं। इसको ऐसे ही रखेंगे यहाँ पर, और सेम ऐसे ही सिलेंगे जैसे हमने इसको यहाँ से कपड़ा लिया और यहाँ से बटन लिया। कच्चा करते हुए इसको हम राउंड में सिल देंगे, तो ये हम इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। ये देखिए साइज़ में आपको बता देती हूँ कि ये साइज़ कितना बना है राउंड में। ये देखिए 31.5 इंच इसकी गोलाई है, और यहाँ से ये इसकी लंबाई 5 इंच है। ये देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन बनकर रेडी हो गया है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।